गुड मॉर्निंग क्लास, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से मैं आज आपके सामने भी थर्ड सेमेस्टर में हमारा टॉपिक है अनुरूपता के निर्धारण। अनुरूपता, जैसा कि आपको अनुरूपता नाम से पता होगा, जिसे हम लोग कन्फर्मेटरी बोलते हैं, आप जानते हो कि मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति डिसीजन किसी भी रीजन से ले या किसी अपनी मर्जी से ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एक बहुत बड़ा समूह है और उसमें बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अगर मान लीजिए 70-80% लोग किसी एक डिसीजन की तरफ अपना वोट देते हैं, तो जो बचे हुए 10-20% लोग भी होते हैं वो भी अपना वोट जो है उसी मत में दे देते हैं जिसमें बाकी लोगों ने दिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भीड़ का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा व्यक्ति पर पड़ता है कि वो अपना जो खुद का थिंकिंग थॉट प्रोसेसिंग है वो उसको यूज तो करता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट देखे जाते हैं। तो अनुरूपता में हमेशा चीजों को एक तरीके से भीड़ के साथ व्यक्ति अपने डिसीजन में परिवर्तन कर लेता है, भले ही वो कोई और डिसीजन लेना चाहे, लेकिन मोस्टली उसका ये रहता है कि चलिए इतने सारे लोग अगर कोई एक डिसीजन ले रहा है तो हम अलग से क्यों हटे, है ना, तो वो फिर वो साथ में ही वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अनुरूपता के निर्धारक की, यानी कि जब कन्फर्मिटी होती है, जब लोग अपने डिसीजन को दूसरे लोगों के डिसीजन से कन्फर्म करते हैं, तो उसके निर्धारक क्या है, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि व्यक्ति अनुरूपता में शामिल हो जाते हैं या अनुरूपता से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है समूह का आकार। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोग, जैसे मान के चलिए कि जो समूह है मान लीजिए केवल 5 लोगों का है और उसमें से 2 लोग या 3 लोग एक डिसीजन को लेके चल रहे हैं, तो आप देखो मेजोरिटी यहाँ पे तो मतलब ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि ग्रुप का आकार ज्यादा बड़ा तो है नहीं। जब समूह का आकार ज्यादा बड़ा नहीं है तो हो सकता है वो 2 लोग कन्फर्मिटी से उतना ज्यादा प्रभावित ना हो और हो सकता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले। लेकिन अगर मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है उसमें 8 लोग जो है एक डिसीजन के लिए तैयार है, तो फिर जो 2 लोग हैं फिर वो 2 लोग मतलब थोड़ा बहुत मोल्ड हो जाते हैं। और अगर वही 100 लोगों का ग्रुप हुआ, ठीक है, उसमें से 90 लोग एक डिसीजन के प्रति मतलब अपना वोट दे रहे हैं, तो अब बचे 10 लोग। अब आप बताइए मुझे, ग्रुप का साइज बड़ा है ना, जब ग्रुप का आकार बड़ा है तो अब बचे कम लोग ही हैं उसमें, तो फिर वो सोचते हैं चले ठीक है 90 लोग जब एक वोट दे रहे हैं तो हम लोग क्यों अलग से भागे कर लेते हैं साथ में। तो ये ग्रुप के आकार पर डिपेंड करता है, ग्रुप का आकार छोटा होता है तो हो भी सकता है कि व्यक्ति अनुरूपता से प्रभावित ना हो, लेकिन अगर ग्रुप का आकार बड़ा होता है तो अनुरूपता उसके अंदर प्रभावित, उसके व्यवहार प्रभावित जरूर करती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड है सर्वसम्मत निर्णय। सर्वसम्मत निर्णय का मतलब होता है कि जब व्यक्ति सभी की सहमति से अपने निर्णय को ले रहे हैं, मतलब अगर ग्रुप में 50 लोग हैं, 50 लोगों में से 45 लोगों ने सेम सलाह दी है, ठीक है, एडवाइस उनकी सेम है, ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब डिसीजन दे रहे हैं, डिसीजन नहीं दे रहे, एडवाइस दे रहे हैं, ओनली एडवाइस दे रहे हैं, उसमें से 45 लोगों का जो डिसीजन वो है क्या बोलते हैं एडवाइस है वो लगभग लगभग सेम है, तो बचे 5 लोग वो सोचते हैं कि हम अपना क्यों अलग दें, हम भी कोई बात नहीं एडवाइस सेम दे देते हैं जो मेजोरिटी में आंसर निकल के आएगा, क्योंकि मेजोरिटी तो वैसे भी तय हो चुकी है क्योंकि 45 लोगों ने दे ही दिया है, लेकिन 5 लोगों का भी मेन होता है, अगर वो अपोजिट जाए तो उनकी मर्जी है, उस पर कोई थोप नहीं सकता उनपे, है ना। तो ये तो सर्वसम्मत निर्णय भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है सशक्तता। तो सशक्तता का मतलब होता है अपने वो क्या बोलते हैं जो आपकी वो है ना क्या बोलते अधिकार, उनके प्रति आप जागरूक, उसे कहते हैं सशक्तता। अगर आप जो भी आपके क्या बोलते हैं आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, मेंबर है उस ग्रुप के, और उन लोगों में जो भी निर्णय प्रोसेसिंग हो रही है, अगर आप पूरी तरीके से जागरूक हैं, आपको पता है कि आपके अधिकार है क्या, आप किस तरीके से निर्णय ले सकते हैं और वो निर्णय लेना सही होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि उसमें सशक्तता वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप सशक्तता मतलब ये मान के चलिए अगर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सशक्त होता है, अपने अधिकारों को जानता है, अपनी पूरी सिचुएशन से वो अवगत होता है, तो फिर उसके ऐसा फिर वो कन्फर्मिटी का शिकार जो मतलब प्रभाव जो है कन्फर्मिटी का वो कम ही दिखाई देने को मिलता है, सभी लोगों पे एकदम वैसे ही दिखाई देने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सशक्तता से मतलब परिपूर्ण होते हैं और जल्दी शिकार नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च परास्थिति। ठीक है, तो उच्च परास्थिति का मतलब यहाँ पे है हमारा, अगर अनुरूपता के अकॉर्डिंग माने उच्च परास्थिति को, तो यहाँ पे है अपन का अनुरूपता के व्यवहार पर अन्य व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ठीक है, तो उच्च मतलब ऊपर
ऐसे जो लोग पैसे वाले होते हैं या फिर कोई नेता होते हैं या फिर एक तरीके से उम्र में बड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों के का जो एक तरीके से प्रतिष्ठा है या फिर उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनका पद है वो हमसे बड़ा है, इस वजह से हम उनके डिसीजन से अपना डिसीजन को प्रभावित कर लेते हैं और अनुरूपता कैसे प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उच्च परिस्थिति भी मेन है। ठीक है, अगला है जन अनुक्रिया। ठीक है, तो जन अनुक्रिया का मतलब क्या हुआ? जन अनुक्रिया मतलब जो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, एक दूसरे से अपनी बातचीत को विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जब वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो लोग अब एक दूसरे से अनुक्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और अनुक्रिया कर भी रहे हैं। तो अब इससे भी हो सकता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है पूर्व प्रतिबद्धता। तो अगर आपने पहले कोई सेम डिसीजन लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि चलिए ठीक है उसी डिसीजन से अपना डिसीजन मैच कर लेते हैं, अलग से क्यों उसमें करना है। ठीक है, तो इस वजह से भी व्यक्ति जो है अपना जो अनुरूपता है उसका शिकार, मतलब उसका इससे प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है मानकी बनाम सूचनात्मक अनुरूपता। तो मानकी मतलब जो लोग नियम कानून पर चलते हैं, मानकों को मान करके रूल्स फॉलो करके काम करते हैं, तो वो अनुरूपता का एक तरीके से उसी हिसाब से फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर उनके नियमों के आधार पर सही है तो अनुरूप है उनके, लेकिन अगर उनके नियमों को तोड़ रहा है तो उसके अनुरूप नहीं जाते। और लास्ट है सूचनात्मक। ठीक है, तो सूचनात्मक के अकॉर्डिंग मतलब जो सूचना उनको मिली है उस सूचना के आधार पर उन्हें लगता है कि ठीक है कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उनकी सूचना सही नहीं है तो फिर वो अनुरूपता का शिकार नहीं होते हैं। लास्ट है कार्य का स्वरूप। तो अब डिपेंड करता है कि वर्क का जो प्रोसीजर है, वर्क फॉर्म जो वर्क है वो कैसा है। ठीक है, तो वर्क की क्वालिटी और क्वांटिटी भी बताती है कि व्यक्ति को उनसे अनुरूप होना है या नहीं।